कई लोग पूछना मांगते हैं कि हम 10 दिन में क्या सीख जाएंगे। तो दोस्तों, सीखने और पढ़ाई करने का कोई लिमिट नहीं होता है। जितना आप पढ़ोगे, जितना आप लिखोगे और जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही चीज़ें आएंगी। इसका कोई लिमिट नहीं। ये तो लिमिट हमने और आपने बना के रखा है 10 दिन, ठीक है। तो दोस्तों, अब आप देखिए कि मैडम कैसे ड्राइविंग करती हैं, कैसे चीज़ों पर ध्यान देती, और हम इनको सारी चीज़ें साथ में बताते जाते हैं। उससे पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे YouTube चैनल से जुड़े, मेरे से जुड़े, और आप ऐसी एक नई वीडियो डेली प्रैक्टिस करने के लिए आप देखते जाइए, हेल्प कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने ड्राइविंग लाइन में ना मैम स्टेट है ना, हल्का सा लेफ्ट ले लेना, और हल्का सा भी राइट, लेफ्ट और राइट टर्न करते हैं तो मिरर में देख करके फिर टर्न करते हैं। हल्का सा लेफ्ट रखो, आप राइट जा रहे हो, गोल चक्कर है ना आपके आगे, गट चलो गट, अभी सीधा करो वापस, चलो अब बढ़ाओ हल्का हल्का स्पीड, ज्यादा रोशि स्टेट, गट बहुत बढ़िया। तो अभी आप अपने घर से अपनी कार लेके आए हैं, घर पे बता के लाए ना कि हम अपनी कार पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, गुड। कई लोग स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि घर में नहीं बताते, वो चोरी से अपनी कार की चाबी लेके आते हैं और निकाल के चल जाते हैं सिखाने, घर में बता के आना चाहिए, गुड बहुत बढ़िया। सीधे जाना स्टेट है ना, गुड बहुत बढ़िया। अभी आगे से आपको फ्लाईओवर जाना ऊपर, ठीक है, गुड आगे टर्निंग है, हर एक टर्निंग पे हॉर्न दे करके अलर्ट होकर के चीजों पे फिर निकलते हैं, ठीक है। गुड, स्पीड हल्का से कम रखना। डिपर आपको पता है, ये देखो भाई साहब आ गए ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। डिपर आपको पता है, डिपर कैसे दिया जाता है? नहीं, नहीं पता है, चलो डिपर दो वहां से, हाँ उसको ऐसे से करो, हाँ आप तो रोल करो, मैं रोल नहीं, मैं उंगली देख रहा हूँ कैसे बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे करो, चलो कोई बात नहीं, देखो ऐसे दीदी देखो, करो फटाफट डिपर, देखो डिपर दिया, देखा जब आपने दिया तो डिपर दो, देखो सामने वाला भी दे रहा डिपर, जब आप डिपर दोगे तो वो भी देगा, आप बोलोगे कि हमें जल्दी है, वो बोलेगा हमें भी जल्दी है, लेकिन उससे क्या होता है कि लोग अलर्ट हो जाते हैं, है ना। साइड थोड़ा सा साइड डिपर दो, फिर से ऐसे रास्ते पे आपको डिपर देना होता है ना, फिर से दो डिपर, गुड चलता जाओ सीधे स्ट्रेट, आगे गोल चक्कर से हम लोग लेफ्ट जाएंगे, जैसे कि आप अभी फर्स्ट डे में स्टार्ट करें तो मुझे नहीं लग रहा था कि आप अपनी कार बहुत जल्दी चलाना स्टार्ट कर दोगे, है ना। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आप बनाओगे अपना, वैसे वैसे धीरे धीरे हल्का राइट रखना, हल्का सा राइट रखो, खड़ी नहीं करना, जाते रहो, हाँ जाते रहो, वहाँ तक जाते रहो, जब जगह ना मिले फिर खड़ी कर देना, और अलर्ट होकर के हॉर्न वगैरह मारते हुए फिर जाते हैं ना, जाते रहो सीधे स्ट्रेट। हॉर्न मार दो भैया को, प्रशासन लोग खड़े हुए, आराम से चलो, हॉर्न दे दिया, चलो बढ़ाओ हल्का सा स्पीड, जाते रहो सीधे स्ट्रेट, गुड। एक ही लाइन पर रखना, ठीक है, बार बार राइट लेफ्ट मत करना कार को, और अगर करना भी तो हल्का सा राइट लेफ्ट मिरर में देख करके फिर करना राइट लेफ्ट, ठीक है, चलते जाओ सीधे स्ट्रेट, अभी थर्ड गियर आपको नहीं लगाना, फर्स्ट और सेकंड गियर में 2 दिन चलाने हैं, उसके बाद थर्ड लगवाएंगे, गुड बढ़िया। ग
गार्ड स्पीड हल्का सा कम, क्योंकि आप अभी सेकंड गियर चला रहे हैं गार्ड। कट बहुत बढ़िया। किसी के बगल से निकलते तो मैं उसको हॉर्न मार देते हैं। जिस साइड आपका ऑफिस है सीधा स्टेट ना मैम। चलो गुड, स्पीड हल्का कम कर लो, ब्रेक वगैरह रख लो मैम, बाहर मारो ट्रॉली को। बहुत बढ़िया, जाओ जाते रहो सीधे स्टेट, ब्रेक वगैरह रख लो मैम, है ना। फॉर्चुनर निकल यहाँ पे सामने से, जाने दो इनको, अब आप चलो। बहुत भीड़ रहती है शाम के टाइम में। गुड, मॉर्निंग का टाइम है, दूसरी चीज संडे भी है, आज इतना भीड़ नहीं होगा। सीधा स्ट्रेट मैम, चलो गुड। आगे से किसा करना है? सीधा। फ्लाइवर? फ्लाइवर के नीचे से उस निकालते हैं। अच्छा ठीक है, या तो इधर चल के फिर बहुत नहीं, कोई नहीं, इधर कोई नहीं, सीधा जाइए स्ट्रेट, देख करके दोनों साइड होंगे। स्पीड का सा कम कर लेना, लेफ्ट का सिंगल मार दो ताकि पीछे वालों को पता चल जाए कि आप लेफ्ट जाने वाले हो। गट गट बाप रे, राइट का सिग्नल राइट होगा ना, यू टर्न। चलो ठीक है गट, अच्छा राइट टर्न मतलब है ना। चलो देख कर जाना, उस साइड से कोई आने रहा हो। चलो जाओ, कोई नहीं, पढ़ते जाओ कर स्पीड, गट जाता रहे सीधे स्टेट। बस बहुत बढ़िया,